दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया और मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीवर के लिए कौन कौन सी वो होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो लीवर की बीमारियों में हमारे काम आती है। तो दोस्तों, लीवर की बीमारी में सबसे पहला लक्षण दोस्तों जॉइंटिस होता है। जो सबसे पहली जो लीवर की जो समस्या है वह जॉइंटिस होती है, उसके बाद में अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ होती है। तो दोस्तों, आज हम लीवर की जितनी भी समस्या है उनमें कौन कौन सी मेडिसिन हम ले सकते हैं उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, यह 2 से 3 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि लीवर की किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वह जॉन्डिस हो, चाहे वह हेपेटाइटिस हो, या फिर आपका लीवर बढ़ गया है, सूजन आ गई है। तो दोस्तों, अगर इन सब समस्याओं के कारण और भी जो दूसरे लक्षण प्रकट होते हैं उनके लिए यह जो 3 मेडिसिन है वह दोस्तों रामबाण मेडिसिन है। यह 3 मेडिसिन लेने से ही दोस्तों आपकी जो समस्या है वह ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन सी वो मेडिसिन है जो कि लीवर की सारी समस्याओं में हमारे काम आती है। तो दोस्तों, आइए शुरू। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है चिलिडोनियम। दोस्तों, चिलिडोनियम जो है लीवर की किसी भी प्रकार की समस्या हो उसके लिए मुख्य दवाई है। दोस्तों, सबसे पहले इसी का ही प्रयोग किया जाता है अगर लीवर में किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है। आपको अगर जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो दोस्तों चिलिडोनियम दी जाती है। आपको हेपेटाइटिस की समस्या हो जाती है या दोस्तों आपका लीवर बढ़ जाता है तो भी दोस्तों चिलिडोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, अगर आपकी स्किन पीली हो रही है, आपको जॉइंटिस डेवलप हो रहा है, आपकी जवान भी पीली हो रही है और दोस्तों इसके साथ में आपका लीवर बढ़ रहा है तो दोस्तों आपको चिलिडोनियम लेना चाहिए, बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, चिलिडोनियम का दोस्तों मदर टिंचर इस्तेमाल किया जाता है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स है। अब दोस्तों, इसमें और क्या क्या लक्षण है? तो दोस्तों, इसमें राइट साइड में हमारा लीवर होता है तो दोस्तों इसमें भी राइट साइड में दर्द होता है। राइट साइड में पीछे की तरफ हमारे पीठ पे जो हमारी स्केपुला बोन है उसके नीचे दोस्तों चुभन सा दर्द होता है, चुभता हुआ दर्द होता है, काटता हुआ दर्द होता है। और दोस्तों आगे की तरफ भी राइट साइड में पेट में दर्द होता है तो दोस्तों वह दर्द आगे से पीछे की ओर जाता है। और दोस्तों इसके साथ में उसको भूख नहीं लगती है, उल्टियाँ होती है। ऐसी समस्याओं में दोस्तों चिलिडोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, होम्योपैथी में लीवर की जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए यह सर्वोत्तम दवाई है, सर्वोत्तम मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। दोस्तों किसी भी प्रकार की लीवर की समस्या में यह ले सकते हैं और ज़्यादातर डॉक्टर्स यही मेडिसिन सबसे पहले देते हैं। दोस्तों, इसमें जो राइट साइडेड की जो आपकी पीछे की तरफ ये जो बोन है इसमें दोस्तों इसके नीचे की ओर काटता हुआ सा दर्द रहता है। इसके साथ में जो इसका मरीज रहता है उसको दोस्तों गर्म चीज़ बहुत अच्छी लगती है, गर्म खाना उसको पसंद है, गर्म चीज़ें, गर्म दूध पसंद है। दोस्तों इसके साथ ही उसको जो रसोई में खाने बनने की जो खुशबू रहती है उससे बड़ी तकलीफ होती है। अगर उसको कोई लीवर की समस्या है और रसोई में कोई खाना पक रहा है, खाने की जो सुगंध है उससे इसको बड़ी परेशानी होती है। तो दोस्तों ऐसी समस्याओं में चिलिडोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम। दोस्तों, लाइकोपोडियम के बारे में भी मैंने बहुत आगे बताया हुआ है कि लाइकोपोडियम पेट की समस्या में, गैस की समस्याओं में बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन दोस्तों यह लीवर की समस्याओं में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों लाइकोपोडियम राइट साइडेड बॉडी में जो भी समस्या होती है राइट साइड में, तो दोस्तों वहां पर लाइकोपोडियम बहुत अच्छा वर्क करती है। किसी भी प्रकार की समस्या है वह अगर राइट साइड में है तो दोस्तों लाइकोपोडियम डेफिनेटली वहां वर्क करती है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा लीवर भी राइट साइड होता है तो दोस्तों वहां पर लाइकोपोडियम बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों लाइकोपोडियम के पेशेंट को भी गर्म खाना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों लाइकोपोडियम में मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि दोस्तों इसमें पेट में नीचे की ओर गैस बहुत बनती है, पेट में नीचे की ओर बहुत हवा भरी हुई रहती है, भारीपन लगता है। लेकिन दोस्तों अगर लीवर की समस्या है तो दोस्तों इसमें पेट के ऊपर की ओर भारीपन लगेगा, पेट के ऊपर की ओर गैस बनी रहेगी और दोस्तों इसको राइट साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, चुभता हुआ दर्द होगा, भारीपन लगेगा। तो दोस्तों इसके साथ में बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, पेट में हवा भरी हुई रहेगी और दोस्तों लाइकोपोडियम का पेशेंट जब भी खाना खाने बैठता है तो दोस्तों 1-2 कोल खाते ही उसको पेट एकदम ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भर गया है, क्योंकि उसके पेट में ऑलरेडी हवा भरी हुई रहती है। और दोस्तों उसको भूख बहुत लगती है क्योंकि वह खाना पेट भर नहीं खा पाता है, क्योंकि उसके पेट में हवा भरी हुई रहती है और वह
खाना खाते खाते ही वह खाना छोड़ देगा, फिर थोड़ी देर बाद उसको फिर भूख लगेगी, फिर खाएगा और फिर उसको ऐसा लगेगा कि एक दो कोल खाते ही पेट बहुत सारा भर गया है। तो दोस्तों ऐसे लक्षण में लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है और दोस्तों बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। दोस्तों लाइकोपोडियम को 30 पोटेंसी में लेना है सुबह दोपहर शाम। दोस्तों इसके बाद में जो मेडिसिन आती है वह आती है कार्डुअस मेरिएनस। दोस्तों यह मेडिसिन लीवर के लिए रामबाण दवाई है। दोस्तों लीवर की किसी भी प्रकार की जो समस्या रहती है, लीवर बढ़ जाता है, जॉइंटिस हो जाता है या किसी भी प्रकार की समस्या, सूजन आ जाती है, तो दोस्तों कार्डुअस मेरिएनस बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या में। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें मरीज लेफ्ट साइड अगर लेटता है तो वह उसको राइट साइड दर्द होता है। दोस्तों लीवर तो राइट साइड होता है, लेकिन दोस्तों अगर यह लेफ्ट साइड लेटेगा, लेफ्ट करवट पे लेटेगा, तो दोस्तों इसको बहुत तेज दर्द होगा राइट साइड में। तो दोस्तों यह लेफ्ट साइडेड की करवट लेके नहीं सो सकता, यह राइट साइडेड की करवट लेके सोएगा, क्योंकि दोस्तों लीवर तो राइट साइड है, दर्द भी उसको राइट साइड हो रहा है, लेकिन दोस्तों अगर वो राइट साइड लेटेगा तो उसको राइट साइड दर्द होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। कार्डुअस मेरिएनस में उल्टा होता है, पेशेंट जब भी लेफ्ट साइडेड लेटेगा लेफ्ट साइड की करवट पे, तो उसको राइट साइड में दर्द होगा, वह लेफ्ट साइड नहीं सो पाएगा। तो दोस्तों ऐसी समस्या में कार्डुअस मेरिएनस मेडिसिन है वह बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों अब इन मेडिसिन को लेना कैसे है, तो दोस्तों चिलिडोनियम के मदर टिंचर को 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों लीवर की किसी भी प्रकार की समस्या होती है, चाहे वह सूजन हो, जॉइंटिस हो, हेपेटाइटिस हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, दोस्तों चिलिडोनियम को 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना है। सुबह 15 बूंद लेना है, दोपहर को 15 बूंद लेना है और शाम को रात को 15 बूंद लेना है। दोस्तों लाइकोपोडियम को 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम लेना है। ऐसे ही दोस्तों कार्डुअस मेरिएनस का जो मदर टिंचर आता है, हमें मदर टिंचर लेना है, उसकी दोस्तों 8 से 10 बूंद लेना है। 10 बूंद आप सुबह लीजिए आधे कप पानी में डाल के, 10 बूंद आप दोपहर को लीजिए और 10 बूंद शाम को लीजिए। अब दोस्तों कौन सी कंपनी की ये मेडिसिन लेनी चाहिए, तो दोस्तों आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, आप रेकवेक की ले सकते हैं, आप SBL की ले सकते हैं, आप दोस्तों जो WSI कंपनी है जर्मन की ले सकते हैं, WSI इंडिया की भी आती है वह भी ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, किसी भी प्रकार की जो लीवर की समस्या है, जॉइंटिस है, पीलिया भी अगर हो जाता है, और दोस्तों आप अगर ये तीनों मेडिसिन अगर देते हैं तो दोस्तों 2 से 3 दिनों में ही पीलिया की समस्याएँ आपकी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत जल्दी इसके रिजल्ट दिख जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा इन दवाइयों का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आप भी ये मेडिसिन ले सकते हैं, इन दवाइयों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बीमारी को लेके, कुछ नई मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।